टुडे वी हैव टू सी ग्लाइकोलाइसिस। देखिए वर्ड ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका मीनिंग अगर आपको समझ में आया तो दैट विल अगेन बेटर टू अंडरस्टैंड होल प्रोसेस। ग्लाइको यानी क्या? शुगर, ग्लूकोज, और लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, उसको हम स्प्लिटिंग कहते हैं, स्प्लिट होना, ब्रेक होना। जो भी ग्लूकोज बनती है ना फोटोसिंथेसिस में, तो उसका अच्छी तरह से एनर्जी यूटिलाइज होने के लिए उसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, और उससे फाइनली क्या बनना? पाइरुविक एसिड, टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। ये सिंपली आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? दो मॉलिक्यूल बनते हैं। दिस इज इन दिस। अभी हम देखते हैं कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड स्टडीड दिस ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट? ये तीन साइंटिस्ट है, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। ये तीन साइंटिस्ट है, इसलिए इसको हर साइंटिस्ट का इनिशियल ले लिया है। तो इसको कौन सा साइकिल बोलते हैं, दूसरा नाम इसका ईएमपी पाथवे। एम्बेडन का ई, मेयरहॉफ का यम और पार्नस का पी, ई यम पी। तो ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? ईएमपी पाथवे। बच्चे जनरली कंफ्यूज में जाते हैं, ईएमपी पाथवे आया तो थोड़ा सा घूम जाता है, क्या ईएमपी पाथवे कहां से आया रेस्पिरेशन में। तो ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? ईएमपी पाथवे। और आपको मालूम है 10th में भी आपने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एनारोबिक में, तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का। और ये होता है सेल के कौन से पार्ट में होता है ग्लाइकोलाइसिस? साइटोप्लाज्म। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो पूरा ग्लाइकोलाइसिस ही है, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल रहता है ना, उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन होना। बट दिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यू आर गेटिंग? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियल। ऑल ऑफ यू गेटिंग? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यानी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, क्या कंप्लीट ब्रेकडाउन? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। फाइनली बनता क्या है इसमें? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड। तो ये जो रिएक्शंस है ये आपको ध्यान में ही रखने पड़ेंगे। ये जो 10 स्टेप्स है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद, जो पहले क्या बन रहा है, उसके बाद में क्या बन रहा है, उसमें कार्बन एटम कितने हैं, कौन सी स्टेप पे एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है और कौन सी स्टेप पे एटीपी बन रहा है, तो इसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, ये सब हम देखेंगे अभी। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एरो का तो मीनिंग जानते ना किस प्रकार से। तो देखते हैं पहले ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन शुरू होता है ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लूकोज में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन एटम है, मॉलिक्यूल नहीं एटम है, 6 कार्बन एटम है किसमें? ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज का शुरू में कन्वर्शन होता है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कार्बन एटम सेम है ना, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, तो ये जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ऐसे ही कन्वर्ट हो रहा है कि कुछ एंजाइम की जरूरी है, इधर एंजाइम की जरूरी है, और उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। नीट के लिए ध्यान में रखो, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो होता है, तो उसके लिए जो एंजाइम काम आता है उसका नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज। और इस वक्त होता क्या है, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होने के लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ एनर्जी की भी नीड है, तो यहाँ एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी एज यूज होता है। तो यूज होने के बाद में उसका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। यूज होने के बाद में एनर्जी और एटीपी का कन्वर्शन किस में होता है? एडीपी में होता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? अभी देखिए फास्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, इधर कैसे बन गया समझ में आया, कौन सा एंजाइम है और क्या होगा, इधर एनर्जी यूज हुआ ना, क्या गेन हुआ, यूज हुआ। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। कार्बन एटम में कोई चेंज हुआ है? नहीं। बाद में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में होने के लिए भी एनर्जी की जरूरी है, यहां भी एटीपी मॉलिक्यूल यूज होता है, और एटीपी का कन्वर्शन किस में होता है? एडीपी में होता है। आफ्टर दैट ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट है, इसका कन्वर्शन जब ट्रायोज फॉस्फेट में होता है,
तो व्हाट हैपेंस हियर, इसमें सिक्स कार्बन आइटम के थ्री कार्बन आइटम कहां जाते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट में, और दूसरे डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी यहां बन के निकलता है। अलफिकेटिंग, तो अभी हमें फोकस करना है ट्रायोस फॉस्फेट में। तो ट्रायोस फॉस्फेट में कितने मॉलिक्यूल रहते हैं, कितने आइटम रहते हैं कार्बन के, थ्री कार्बन आइटम, और उसका दूसरा नाम क्या है ट्रायोस फॉस्फेट का, ग्लिसरलडिहाइड थ्री फॉस्फेट। ओके, ये ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, ग्लिसरलडिहाइड थ्री फॉस्फेट बन गया, इसमें कार्बन आइटम थ्री है, तो दूसरे थ्री कार्बन आइटम कहां चले गए, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो देखिए इधर ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बन गया है उसका कन्वर्शन अभी नीचे, अभी जगह नहीं तो मैंने एरो के बाद में कहां रिएक्शन लीजिए साइड में, तो ये जो ट्रायोस फॉस्फेट का कन्वर्शन क्या होता है, ट्रायोस बिस फॉस्फेट में, कार्बन एटम सेम। लेकिन यहां हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर बताइए, एनएडी से क्या बन रहा है, एनएडी इधर यूज हो रहा है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यहां यूज हो रहा है, उससे बन क्या रहा है उससे एनएडीएच प्लस प्लस एच प्लस, दिस इज फॉर्मिंग फ्रॉम दिस, कैसे अंदाजा लगा आपने, एरो किसका कन्वर्शन किसमें हुआ है, एनएडी का एनएडीएच प्लस प्लस एच प्लस, ऐसा क्यों आपने कहा है, क्योंकि इधर एरो दिखाया है, एरो से क्या पता चलता है, समझ में आ रहा सबको, किसका कन्वर्शन किसमें हुआ है। तो यहां जो बन रहा है ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बन रहा है, ट्रायोस बिस फॉस्फेट, कार्बन आइटम कितने रहेंगे इसमें, तीन ही रहेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, 1,3-bisphosphoglycerin एसिड। ऑलोफिकेटिंग, तो यहां देखिए अभी ये जो बन रहा है, बन गया है ट्रायोस बिस फॉस्फेट, उसका कन्वर्शन ट्रायोस फॉस्फेट में होता है, तो इधर क्या होता है, एडीपी यूज होता है, एडीपी का कन्वर्शन किसमें होता है, एटीपी में, तो यहां एडीपी यूज हो रहा है, क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। एरो से हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, एरो से ये बन गया है, और किससे बन गया है, एडीपी से बन गया है, और ये जो बन गया है इधर ट्रायोस फॉस्फेट, उसमें भी थ्री कार्बन आइटम है, और ये फॉस्फोग्लिसरेट है, दिस इज ऑल्सो हैविंग कितने कार्बन आइटम है इसमें भी, हाँ थ्री कार्बन आइटम है, भूल गया लिखने के लिए, इधर भी थ्री कार्बन आइटम है, और यहां जो है फॉस्फोग्लिसरेट जो बन रहा है इधर बन गया है, तो इससे जो फॉस्फोइनॉल पायरेट बनता है, तो उस वक्त क्या रिलीज होता है, क्या बनता है, वाटर इज प्रोड्यूस हियर, वाटर बन गया है इधर, कब बन गया है, फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन जब फॉस्फोइनॉल पायरेट में होता है, तो इसमें भी कितने कार्बन आइटम है, कार्बन आइटम, और जब लास्ट में देखिए फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का कन्वर्शन पाइरुविक एसिड में होता है, तो इसमें भी एटीपी बन रहा है, तो ब्रेक डाउन हो रहा है, एटीपी बन रहा है, और लास्ट में बन गए पाइरुविक एसिड, किससे बन गया पाइरुविक एसिड, ग्लूकोज से बन गया है, ग्लूकोज में पहले कितने थे कार्बन आइटम, लेकिन इसमें पाइरुविक एसिड में कितने हैं, थ्री कार्बन आइटम, और ये दो मॉलिक्यूल बन गए। और इसमें पूछते एग्जाम के लिए, तो इसमें कितने एडीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, एक और ये दो, एडीपी मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं, दो, और डिटेल में देखिए कौन से स्टेप में एडीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये भी पूछते हैं, तो आपको इसको डिटेल में फोकस करना है, मैंने तो आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपको डिटेल में स्टडी करना है कि नहीं इसका, नीट के लिए, और एटीपी मॉलिक्यूल कितने बनते हैं, इधर भी और इधर भी, दिस इज द वन रिएक्शन वेयर एटीपी इज फॉर्मिंग, दिस इज द सेकंड रिएक्शन वेयर एटीपी इज फॉर्मिंग, समझ में आ रहा है ना, इधर क्या हो रहा है, एडीपी इज फॉर्मिंग इन टू रिएक्शन, एंड हियर एटीपी इज फॉर्मिंग इन टू रिएक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन टू टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसमें 10 स्टेप्स है एंजाइम्स के, और इसमें क्या क्या होता है मैंने आपको बताया, दिस इज रिगार्डिंग द ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ऑल ऑफ यू गॉट,